With a big story where two youngsters, including a 17-year-old minor, have been killed after a speeding SUV hit their bike and mount them. This is in Uttar Pradesh's Gonda. Locals present at the spot have claimed that the SUV was part of the convoy of Brij Bhushan Sharan Singh's son, Karan Bhushan Singh. Now, Karan Bhushan is BJP's candidate from the seat of Kesar Ganj. Visuals from the accident site show that the SUV with the police escort tag written on the rear windscreen suggesting that it is a part of a VVIP convoy. As per reports, the car is set to be registered in the name of Nandini Nagar Educational Institute that's run by Brij Bhushan Singh's family. Police have arrested the driver of the SUV. His name is Lovkush Srivastav. We have spoken to Karan Bhushan as well. Let's listen in. हम जानना चाहेंगे आप कहाँ थे और पूरी घटना कैसे हुई, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि आप भी उसी गाड़ी पे थे। तो पहला सवाल, क्या आप उस गाड़ी में थे? देखिए, ये जो मैंने यूट्यूब में देखा, टीवी में देखा कि काफिला, ऐसी कोई बात नहीं है। चार गाड़ियां थी और मैं बहराइच जा रहा था, और जब मैं 4-5 किलोमीटर पहुंच चुका तो पीछे गाड़ी से पता लगा कि ये ऐसी दुर्घटना हुई। ये जो दुर्घटना हुई ये बहुत दुखद है, और जो बच्चे अब नहीं रहे उस परिवार के साथ पूरी संवेदना है। और जब हम लोग को ये जानकारी हुई तो हमने अपनी गाड़ी भेजी, और जो भी वहाँ पे बच्चे थे उन लोग को हॉस्पिटल भेजा, अपनी गाड़ी भेजी, उस हॉस्पिटल भेजा, प्लस मेरे परिवार से जुड़े हुए लोग वहाँ पे मौजूद थे पोस्टमार्टम में, प्लस मिट्टी तक। तो कहा यह जा रहा है कि आप वहां पे मौके पे नहीं, क्योंकि जो तस्वीरें वायरल हुई उन पे दिख रहा था फॉर्च्यूनर है, मोटरसाइकिल है, बच्चे सड़क पे पड़े हुए हैं, लेकिन आपकी बाकी गाड़ियां वहां नहीं नजर आ रही हैं। तो आरोप ये लग रहा था कि आप मौके से चले गए। देखिए, उसमें मैं सच्चाई बता देता हूँ क्या हुआ था। जो फैक्ट है कि सुबह हम लोग का प्रोग्राम था बहराइच जाने का, और मैं चार गाड़ियों से ऐसे नॉर्मल अपना जा रहा था, कुछ साथ में समर्थक भी थे, एक दो गाड़ियां थी। तो हम लोग जब वहाँ से क्रॉसिंग बंद हुई, क्रॉसिंग पार करके निकले, सबसे मिले, बच्चे नए मिले, फोटो वोटो हुई सबके साथ, और बड़ा नॉर्मल सा था। फिर हम लोग जब आगे पहुँच गए 3-4 किलोमीटर बाद, तो एक फ़ोन आया कि ऐसा हादसा हो गया, पीछे वाली गाड़ी से ऐसा हादसा हो गया। और जैसे हम लोग को पता लगा, जैसे एक संयोग मान ले चाहे, फिर पता लगा, हम लोग ने अपनी गाड़ी भेजी वहाँ पे, दिखवाया, क्योंकि ये जो परिवार है ये मेरे पिताजी के समर्थक भी थे। एक बड़ी दुखद घटना है, अब इसमें आगे क्या कहें, लेकिन जिस तरह इसको प्रेजेंट करा गया, मुझे तो शाम को पता लगा कि क्या इमेज मेरी बनाई जा रही है, इसको क्या धूमिल किया जा रहा है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। आपको लगता है कि आपके फादर इतने बड़े पॉलिटिशियन हैं, लोग उनको जानते हैं, और जैसे रेसलर्स के जो एलिगेशन था उसके कारण भी आपके नाम को संलिप्त किया गया, या आप उस गाड़ी में नहीं थे, इस बात को आप मीडिया के जरिए बताना चाहेंगे? देखिए, मैं बस रिक्वेस्ट करूंगा कि सच्चाई का साथ दिया करें, फैक्ट पता करें। बहुत बुरा लगा कि इस तरह जैसे पिताजी के साथ हुआ, बिना फैक्ट पता किए उनकी पूरी पिक्चर धूमिल करी गई, एक तरह से उनको विक्टिम बनाया गया, उसी तरह से मुझे विक्टिम बनाया जा रहा है। तो बस सच्चाई एक बार पता करके, और ये बहुत दुखद घटना। आज भी सहयोग देंगे, क्योंकि आपका काफिला था? आपको बता देता हूँ, कोई काफिला नहीं था, 3-4 गाड़ियां थी, पीछे गाड़ी से हुआ, उसमें पूरी कार्रवाई भी हो गई है। जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था वो इस टाइम जेल में है, और पुलिस प्रशासन जो अपना पूरा काम कर रही है वो कर रही है, और प्लस हम लोग भी। Keen sir, your dinner. On a tile? अरे, it's antibacterial. Easy to clean. But plates? Clean by. It's a tile lad. IM Plus टेक्नोलॉजी से बने वर्ल्ड क्लास टाइल्स, टाइल हो तो सिंपल हो।